हेलो, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल विनय एंड ईचा पे। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे मैं विनीशा को मसाज देता हूँ। तो हमने बहुत सारे लेके ना, जैसे विनीशा बॉर्न हुई थी तो हमने भी काफ़ी सोचा पहले, कि डॉक्टर ने भी हमें बताया था कि दाई या मेड को इनिशियली आप चेयर यूज़ मत करना, क्योंकि शायद वो बहुत विगरेस करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई इशू है, आपको अगर चाहिए तो आप वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जस्ट दैट हमें ये था कि ओके ठीक है, अगर वो विगरेसली करते हैं तो क्यों ना हम खुद से मतलब लाइक रिसर्च करें कि मसाज दिया कैसे जाता है। हाउ इज इट दैट एक्चुअली, बिकॉज देर इज ऑलवेज अ राइट टेक्निक टू गिव मसाज फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी ओवर हियर। सो दैट इज समथिंग विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो वी डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड टूडे वॉट आई एम गोइंग टू शो इज बेसिकली द राइट टेक्निक ऑफ डूइंग अ मसाज, बिकॉज द टेक्निक इज वॉट इज इम्पॉर्टेंट। इट्स नॉट अबाउट वेदर अ मेड डज इट और योर हजबेंड डज इट और द वाइफ डज इट, इट्स मोर गॉट टू डू विद द टेक्निक, बिकॉज इट हैज टू बी बेनिफिशियल फॉर द बेबी। सो ऑन दैट नोट अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज। तो जो ये ऑयल अभी फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ वो है सॉफी ड्यू का है। बेसिकली अगेन ये कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, हमने डाबर का भी तेल यूज किया है। तो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा यूज़ करना है। आप सीजन के हिसाब से चेंज कर सकते हो, एलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हो, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, बट देख के लेना कि वो प्योर कोकोनट ऑयल है। मेनली वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसी नोट पे आप देख सकते हो विनीशा ऑलरेडी थोड़ी हैप्पी है। तो हम अभी मसाज स्टार्ट करते हैं। मसाज जब मैं कर रहा हूँ, विनीशा का एज है 2 months 15 days। तो विनीशा को मैं मसाज जब भी वो 8 days की थी तब से मैंने शुरू किया था ये मसाज देना। एग्जैक्ट सेम टेक्निक मैं यूज़ करते आ रहा हूँ। आई हैव बिन यूजिंग द एग्जैक्ट सेम टेक्निक फ्रॉम द 8th day ऑनवर्ड्स ओवर हियर। सो नाउ लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड राइट अवे ओवर हियर। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वॉट यू हैव टू डू इज जस्ट टेक अ बिट ऑफ ऑयल योर पाम एंड देन फर्स्ट जस्ट रब इट वेल। दैट्स इट। देर हैज़ टू बी अ बिट ऑफ ऑयल, इट हैज़ टू फील ग्रीजी। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर। वंस दैट इज डन, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज वील ऑलवेज, सो ओवर हियर अगेन माई प्रेफरेंस इज आई स्टार्ट विथ हेड। इफ यू वॉन्ट यू कैन स्टार्ट विथ योर लेग, दैट्स फाइन, बट हियर आई फॉर्म द हैबिट दैट आई स्टार्ट विथ हेड, फेस, आर्म्स, चेस्ट, टमी, लेग्स एंड देन द बैक साइड ओवर हियर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड ओवर हियर ऑलवेज आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये एक सॉफ्ट स्पॉट होता है बेबीज का, न्यू बॉर्न बेबीज का। तो हमेशा आप हेड का करते वक्त आपको एकदम जेंटल रहना है, काफ़ी जेंटल रहना है आपको यहाँ पर। सो या तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पर जैसे मैं कर रहा हूँ एकदम जेंटल, आपको काफ़ी जेंटल रहना है यहाँ पे जब भी आप कर रहे हो। तो आप जब भी और एक और चीज़, मैं जब कभी मसाज करता हूँ, मैं विनीशा के साथ बात करता हूँ, तो विनीशा को ये आदत नहीं है, क्योंकि राइट नाउ क्योंकि मैं आपके साथ वीडियो में बात कर रहा हूँ तो इसीलिए मैं विनीशा के साथ बात नहीं कर पा रहा हूँ। तो शायद विनीशा को ये अजीब लग रहा है अभी। तो आप देख के लेना है आपको कि आप मसाज देते वक्त हमेशा यू आर स्पीकिंग विथ योर बेबी, बिकॉज योर बेबी लाइक्स इट। आप देख सकते हो कि वो स्माइल कर रही है। कूइंग दैट्स व्हाट इज कॉल्ड कूइंग ओवर हियर। तो आप यहाँ पर अभी जेंटली आप कर सकते हो, ऐसे ऐसे एकदम जेंटल हाथों से आपको करना है। ओके, यहाँ पर आपको कभी फोर्स नहीं देना है आपके बेबी को मसाज करते हुए, बहुत डेलिकेट जोन होता है। अब यही ऑयल जो हमारे हाथ में अभी बचा हुआ है उसी के साथ अभी हम फेस में करेंगे। तो फेस में करते वक्त आप देख सकते हो विनीशा हमारी हंस रही है। तो फेस करते वक्त अभी विनीशा को फेस में करते उतना पसंद नहीं होता है जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, तो आज हम देखते हैं। तो अब फेस में करते वक्त फर्स्ट हम हमेशा जो है फोरहेड करेंगे, तो जेंटल हम बस थंब्स यूज करने वाले हैं, और जैसे हम किताब ओपन करते हैं वैसे जस्ट स्लोली जेंटल होना चाहिए, मतलब बेबीज एंजॉय करेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर विनीशा कैसे एंजॉय कर रही है, विनीशा काफ़ी एंजॉय कर रही है यहाँ पर। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बेबी हमेशा एंजॉय करे, तो ये आप देखोगे। तो और ये प्रेशर आप जैसे जैसे मंथ टू मंथ आप इंक्रीज करते जा सकते हो, वो आपको ऑब्जर्व करके इंक्रीज करना है। तो ये था फर्स्ट जो हमने किया था फोरहेड में। अब नेक्स्ट जो होगा वो होगा आपको जो करना है नोज से लेके, आपको ये जो चीक बोन है यहाँ से लेके आपको आईज सर्कल में रोटेशन करना है आपको बेसिकली, बट नाजुक हाथों से, दबाना नहीं है। तो आप अभी ऐसे कर रहे हो और ऐसे कर रहे हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लाइक बेबी विनीशा को जैसे मैंने बताया उनको फेस का उतना पसंद नहीं होता, तो यहाँ पर वो थोड़ी सी लेके ना, स्पेशली ये जोन, क्योंकि
क्योंकि विनीशा को हमेशा वो ऐसे थोड़ी थोड़ी ये करती है, बट देन फाइन, बट आपका बेबी ज्यादा रोता नहीं है कभी ये सब करते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उनके रिलैक्सेशन के लिए, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये हो गया उनका जो है नोज का। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज नोज का करते वक्त ऐसे ऐसे मत करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ है कि आप ऐसे हर मतलब ये बहुत कहा जाता है, हमसे भी बहुत बड़ों ने कहा था कि आप प्लीज नोज को नीचे से ऊपर करना क्योंकि आप शेप देते हो, वरना उसका नाक ऐसे अंदर चपटा होगा और हर नोज वुड बी फ्लैट। सो प्लीज सी टू इट दैट लाइक यू नो यू डू इट अप साइड, लाइक यू नो फ्रॉम डाउन टू अप इन दिस फैशन। प्लीज डोंट डू दैट बिकॉज वी आर नॉट प्लास्टिक सर्जन्स, वी कैन नॉट शेप द नोज ऑफ अ बेबी। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू डू दिस। सो दिस इज द फर्स्ट वन। Now the next technique that we are going to do is from the nose, we will be slowly going all the way down to the cheeks over here. So over here, one, you can see she's smiling, three, four, five. Very important, your baby should enjoy all of this. So this is the next technique. Now the next one, what we do is, which basically is above the upper lip. We'll just be going from up to down, and this over here इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेशली वंस द टीथिंग स्टार्ट्स। जब भी उनको दांत आना शुरू होता है तभी दुखता है, सो दिस हेल्प्स अ लॉट, उनको सूद करता है ये वाला। सो इट इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। आप प्रिफरेबली हर चीज जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो 8 to 10 स्ट्रोक्स आपको करना है यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो होता है, जो लास्ट में करता हूँ, वो है आपको यहां से चिन से लेके आपको ईयर्स के बाजू में करना है। वो बहुत रिलैक्सेशन है, ये स्पेशली ये पार्ट उनको काफी रिलैक्स होता है। सो इट्स वेरी रिलैक्सिंग फॉर द बेबी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, दैट्स इट। तो अभी हमने विनीशा का पूरा फेस मसाज कर दिया, और प्लीज बहुत ज्यादा ऑयल भी मत डालना फेस पे क्योंकि कभी कभी वो एक्ने का और थोड़ा इशू होता है, इतना ज्यादा हमें ऑयल डालना नहीं है फेस में। परफेक्ट। तो अभी जो थोड़ा बहुत तेल बाकी है उसके साथ हम शुरू करेंगे अपर बॉडी के साथ, और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे उनका जो है टमी। टमी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यूजली कोई चेस्ट करते रहेंगे, कोई आर्म्स, पर मैं टमी से स्टार्ट करता हूँ। सो दिस टेक्निक ओवर हियर इज कॉल्ड सैंड वॉक ओवर हियर। सो दिस यू आर बेसिकली जस्ट डूइंग इट फ्रॉम अप टू डाउन, इसे सैंड वॉक कहते हैं, और आप ऊपर से नीचे तक कर रहे हो। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। सो ये था फर्स्ट टेक्निक जो है सैंड वॉक। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट आई कॉल इट, वी कॉल इट इज सर्क्यूलर वॉक। ऑल ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल फॉर द बेबी ऑल्सो, क्योंकि उनको कॉलिक और स्टमक इश्यूज नहीं होता है। सो इट इज दिस 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 दिस, ऐसे आपको करते रहना है। आप बेसिकली सर्कल में वॉक कर रहे हो, आप वैसे पकड़ सकते हो। तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है बेबीज के लिए, ये वाला टेक्निक जो है। तो ये हो गया दूसरा। अब तीसरा जो मैं टेक्निक करता हूँ वो है आई लव यू। सो बेसिकली आई कीप लुकिंग एट हर आई कॉन्टैक्ट एंड आई कीप सेइंग आई लव यू एंड शी रियली लव्स इट ऑल ऑफ दिस। आई लव यू, लुक एट द स्माइल। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई जो क्यूट लव यू, I love you, I love you, I love you. So that's the technique. This is the third one. It's called I love you. इसे I love you कहते हैं। आप basically I draw कर रहे हो, उल्टा L draw कर रहे हो, उल्टा U draw कर रहे हो। I उल्टा L उल्टा U. This is your I love you technique. Now आप अगला क्या करने वाले हो इसके बाद, जो लास्ट में करते हो, किताब खोलना। वन टू वी आर ओपनिंग द बुक, थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री वन। तो बेबी लोग बहुत एंजॉय कर रही है यहां पर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मसाज हमेशा एंजॉयमेंट का होना चाहिए। टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री वन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत हेल्प करता है आपके बेबी को रिलैक्स होने में। ये
ये हो गया हमारा टमी पार्ट। अब हम जाएंगे थोड़ा सा लाइक यू नो चेस्ट और आर्म्स पर, क्योंकि हाथ में अभी ऑयल थोड़ा कम हो गया तो इसीलिए मैं वापस थोड़ा ऑयल डाल रहा हूँ। यस, तो थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया, वापस हाथ को ग्रीस कर रहा हूँ। बस ग्रीस करना है आपको, ये नहीं कि भर भर के ऑयल डालना है। सो दैट्स इट। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे चेस्ट। हियर वी विल बी ड्रॉइंग अ हार्ट, और आई प्रेफरेबली लव कॉलिंग इट आई लव यू अगेन बिकॉज आई लव, आई नो शी लाइक्स इट। सो अगेन वी ड्रॉ अ हार्ट। यहाँ पे हम एक हार्ट ड्रॉ करेंगे ये दो दो उंगलियों से। इट्स इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर यूज करना है और हार्ट ड्रॉ करना है। आई प्रिफर सेइंग आई लव यू, 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 विनिशा बेबी आई लव यू, विनिशा आई लव यू बेबी, सो क्यूट। नाउ द नेक्स्ट वन इज डायगनल। सो बेसिकली यू आर ड्रॉइंग एन एक्स, और यू कैन कॉल इट डायगनल। सो आई कीप सेइंग एक्स 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 एक्स, सो क्यूट, शी रियली लव्स ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा चेस्ट। तो अब हम ओनली वी विल यूज द थंब्स एंड वी विल डू द आर्मपिट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। सो शी यूजुअली डज नॉट लाइक द आर्मपिट प्लेस मच ओवर हियर। सो नाउ वी विल गेट स्टार्टेड विद द आर्म्स। ओके विनी विनी विनी। सो नाउ वी गेट स्टार्टेड विद द आर्म्स ओवर हियर। सो विद द आर्म्स, विद द आर्म्स व्हाट वी डू इज वी विल अगेन यूज सर्टेन टेक्निक्स। सो दिस इज कॉल्ड मिल्किंग ओवर हियर फर्स्ट, वेयर यू गो फ्रॉम लाइक यू नो यू जस्ट डूइंग दिस पार्ट ओवर हियर जस्ट लाइक दिस, जस्ट अ स्मॉल। सो यू आर नॉट रोटेटिंग, यू आर जस्ट डूइंग द एक्शन ऑफ रोटेशन एंड यू आर गेटिंग इट डाउन। सो इट्स बेसिकली जस्ट दिस एंड दिस। सो इट्स दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। सो सेम गोज फॉर द अदर हैंड, दिस ओवर हियर। सो यू जस्ट डू दिस, सो यू जस्ट डू दिस, दिस कॉल्ड मिल्किंग ओवर हियर। नाउ द नेक्स्ट टेक्निक दैट वी डू इज अप टू डाउन, अप टू डाउन, अप टू डाउन, अप टू डाउन ओवर हियर। जस्ट डू दिस फ्यू टाइम्स and let your baby enjoy. If she's seeing somewhere, let her enjoy. I really love speaking with her, but then right now I'm not because I'm speaking over here. I'm looking at the camera and speaking, so that's why. So always आप अपने बच्चों के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं मसाज कर रहा हूँ तो बेबी आराम से वो वहाँ पर सीलिंग को देख रही है। यस, तो ये हो गया, पहला था ऊपर से नीचे, दूसरा था नीचे से ऊपर यहाँ पर। और अब जो लास्ट है वो है मैं अपना जो थंब है बेबी के उंगलियों के बीच में रखता हूँ ओवर हियर एंड आई लेट हर होल्ड माय थंब एंड इन दैट वे आई कैन मसाज हर फिंगर्स एंड एवरीथिंग। दैट्स इट। यस, नाउ आई डू द सेम थिंग ओवर हियर ऑन द अदर साइड। जस्ट वन, शी इज वेरी सो क्यूट, विनी विनी विनी। थ्री फोर फाइव सिक्स। वन टू थ्री फोर five six. Now we are, now again I'll give my thumb to her. Yes, now and I'll keep doing it on her fingers. Just look at the way in which she's smiling and she's really liking it. So this is what is very important. Your baby should always keep smiling, the most important part. So now we are done with the arms over here. Same milking here also, which we had done. The milking is just this action and just straight action and straight, done. Now we will come to the legs. Again, I'm just going to take, this is the third time I'm using oil. Again, I'm just going to grease my hands. थोड़ा सा मैंने तेल ले लिया है, बस हाथों को थोड़ा सा मैंने तेल डलवा के अब मैं इसमें legs में stroke होता है। Legs में हम क्या करेंगे, same हाथों को जैसे हमने किया पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, up to down, down to up. We do it 7 to 8 times. So this is something that she really loves, the leg massage. That's her favorite. 3, 4, 5, 6 सेवन एट। वन टू, ये बहुत वो एंजॉय करती है लेग्स उनको। और हमेशा याद रखना वो हाथ और लेग्स बहुत मूव करते हैं। सो बेबीज दे ऑलवेज कीप मूविंग द हैंड्स एंड लेग्स। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मसाज इट रियली वेल, दे गेट अ गुड रिलैक्सेशन। दिस इज डन, वी आर डन अप टू डाउन। नाउ अगेन द मिल्किंग ओवर हियर। सो जस्ट डू दिस एंड डन, जस्ट दिस एंड डन, जस्ट दिस। सो यू आर नॉट रोटेटिंग, आप रोटेट नहीं कर रहे हो, आप बस ये एक्शन कर रहे हो और ऊपर से नीचे मिल्किंग, दूध कैसे निकालते हैं ओवर हियर। सो दैट 4, 5, 6 कीप स्पीकिंग विद योर बेबी ऑलवेज, वेरी इंपॉर्टेंट। सेम गोज फॉर दिस, जस्ट लुक एट हाउ हैप्पी शी इज एंड रिलैक्स्ड।
So now we do the same over here with the other leg. So now first up to down, up to down, up to down, 7 to 8 times. Just look how happy. 5, 6, 7, 8. Now same, 1, 2, 3, 4. Are you liking it? Vinisha, आपको अच्छा लग रहा है? Vinisha, so cute. वो बहुत अच्छी है. 7, 8. And now you can see milking. 1, 2, 3. This is the right technique. Technique बहुत important है because it should be beneficial for the baby. 5, 6, 7, 8. Now अभी जो है हम यहाँ पे heels में करना, ankle में करना बहुत जरूरी है. So we just use the index finger and the thumb and just do this. Very important. She's feeling ticklish over here. Every time she does. So now over here, I'm just using my thumb and I'm going to do a circular motion over here on the heel part. So just like this. So you can see this. 3, 4, 5. So you can see this. I'm just using this. 6, 7, 8. So now over here, there are a lot of nerve openings. So especially acupressure, they also say it's a very important part over here. So she'll get a lot of relaxation. So what I'm going to do is first, I'm going to just do from down to up. 1, 2, 3, 4, 5. Just using my thumb. Sirf thumb use karna, niche se upar karna hai. 7, 8. Ho gaya. Abhi aapko bas ye jo hai, aapko pakadna hai. Bas. You just need to keep holding. I wouldn't say press. Just do this. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. And now what I'm just doing it over here is like, you know, I'm just going to do it now from up to down. Just touch, touch, touch. I'm going to walk with my thumb. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. That's it. Now the same thing, we do it over here also. So over here, first again the ankle, we just do with our index and thumb finger, this, just few times over here. Once done, using the thumb, we have to do it in a circular motion. Just over here, it's all relaxation for the baby. 6, 7, 8, 9, 10. Look how she's enjoying it over here. And just see to it that you're always speaking, and if your baby is looking somewhere, कहीं वो अगर ऊपर देख रही है तो चलेगा, देख ले देना. तो नाउ द हील अगेन. तो यहाँ पे हम नीचे से ऊपर पहले करेंगे विद आवर थंब. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. नाउ जस्ट द फिंगर्स, प्रेस नहीं करना है जोर जोर से, बस ये टच. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. That's it. अब वापस हम ऊपर से नीचे चलेंगे थोड़ा. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. आप देख सकते हो कि बेबी को कितना रिलैक्सेशन हो रहा है यहाँ पर, वो आराम से एकदम शांत है. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ये हमारा फ्रंट साइड पूरा हो चुका है. अभी हम विनीशा को स्लोली उनके टमी में रखेंगे. आप देख सकते हो वो हैप्पी है. तो अभी उनको टमी में रखेंगे और उनके बैक साइड को भी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो हमने सिर्फ ये वीडियो के लिए ये डायपर डाला हुआ है, तो आप जब भी करोगे तो आप बिना डायपर के आप घर पे करना चाहिए आपको, ठीक है. सो नाउ हमें स्लोली विनीशा को अदर वे राउंड हमें अभी डालना है. तो देख सकते हो आप वो कितनी हंस रही है. विनीशा सो क्यूट. तो एकदम जेंटल रहना है आपको हमेशा टर्न करते वक्त, एकदम जेंटल. Yes, बस ये. तो अभी आप इनिशियली आप बेबी को अगर आपको रखना है तो आप लैप में भी रख सकते हो, पर ऐसे रखना, फ्रंट ऑन मत रखना. मतलब आप बच्चे को ऐसे रखोगे और अगर मम्मी करिए तो डिफिकल्ट होगा आपको. क्यों? क्योंकि आपको शायद अगर आपका जस्ट लाइक सी सेक्शन ये हुआ है तो आपको नीचे झुकने में पीठ दुख सकता है. तो आप ऐसे रख सकते हो बच्चे को, सिर इधर पाव इधर, और आप ऐसे भी मसाज कर सकते हो अगर आपको करना है तो. पर मेरा आदत है कि मैं ऐसे करता हूँ, तो इसीलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ यहाँ. तो अब आप देख सकते हो वो कितने आराम से, लेकिन ये हमने टमी टाइम पर उनको फ्रैक्चर किया था, तो ये वापस मैंने ऑयल ले लिया. और अभी वापस ऊपर से नीचे, फर्स्ट ऊपर से नीचे, 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 ऊपर से नीचे.
ये हमें करना है फ्यू टाइम्स ओवर हियर। तो बैक पोर्शन, उनका स्पाइन उतना डेवलप नहीं हुआ है तो इसीलिए वहाँ पे एक नहीं करना है हमें अभी तक उतना। अब नेक्स्ट जो है साइड, साइड किताब खोलना है साइड में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1। तो यहाँ पर आप जैसे ये करते हो बेबी को काफ़ी अच्छा लगता है कि बैक में भी उनको काफ़ी हेल्प करता है ये वाला, जो है बहुत रिलैक्सिंग है उनके लिए। तो ये हो गया उनका बैक में अगर आप देखोगे। तो अब जो नेक्स्ट हम करेंगे इसे, इसे हम कहते हैं लाइक यू नो बेसिकली आप उनका बाल, जैसे हम बाल में अगर कुछ रहते तो हम ऐसे कैसे करते हैं हमारे बालों में पीछे से, तो वैसे, तो ये सेम हम कर रहे हैं यहाँ पर। सो इट्स बेसिकली जस्ट रनिंग योर फिंगर्स थ्रू योर हेयर, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। सो जस्ट कीप डूइंग दिस अ फ्यू टाइम, दैट्स मोशन में करना है यहाँ पर, बस सर्कुलर साइड्स में करना है, स्पाइन में नहीं। आपको ऑन द साइड्स ऑफ द बैक यू हैव टू डू इट इन अ सर्कुलर मोशन अप टू डाउन, कीप ड्रॉइंग सर्कल्स अप टू डाउन, दैट्स इट ओवर हियर इन द एग्जैक्ट सेम वे। सो दिस इज अनदर एडवांटेज, द मोर एंड मोर टमी टाइम यू कीप गिविंग इट गेट्स इजियर फॉर द बेबी टू होल्ड ओवर हियर, दैट्स इट। देख सके आप देख सकते हो बेबी हंस रही है यहाँ पर। तो ये एंड में आपको जो है ये स्ट्रेचेस है जो मैं कर रहा हूँ पाव का हाथ का, वो बहुत रिलैक्सिंग होता है, बूम 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 टैंग 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 डिंग 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 डिंग। सो नाउ अभी हाथ से पाओ बूम बूम बूम, अभी ये हाथ से पाओ बूम बूम, साथ हमारा मसाज हो चुका है यहाँ पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान में रखना है, कोई भी मसाज कर सकता है, अगर दाई मेड आप कर रहे हो या आपके हस्बैंड कर रहे हो, जस्ट देख के लेना कि आप जेंटल हैंड्स यूज कर रहे हो करते हो, जिसे हम टच थेरेपी बोलते हैं। प्लीज प्रेशर मत रखना, और अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर भी रहे हो तो ये ध्यान में रखना कि आप जो भी कर रहे हैं मतलब बेबी को मसाज, हूएवर इज गिविंग द बेबी द मसाज, ही और शी वुड नो लाइक वेरी राइटली लाइक हाउ मच प्रेशर टू गिव एंड व्हेन टू इंक्रीज। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर, एंड यू कैन यूज एनी ऑयल एंड जस्ट सी टू इट दैट मसाज इज समथिंग दैट योर बेबी शुड एंजॉय। इफ योर बेबी इज क्राइंग अ लॉट एवरी टाइम, सी समटाइम्स बेबीज कैन क्राई दैट्स फाइन, बट एवरी टाइम इफ योर बेबी इज क्राइंग देन जस्ट सी टू इट दैट either it might be the pressure that you're using or the room might be really cold, the AC is on, just know all these factors and things and just give your massage every day to your baby 10 to 15 or 20 minutes. If you have really liked our content then please like, share and subscribe. Thank you so very much. Dhanyawad.